देखो, इसका पहले बेसिक फंडा सुन लो, फिर अपने लिखेंगे। हर कंट्री का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, वो डिपेंड करता है उसके इकोनॉमी में कितना मनी का फ्लो है। ठीक। अब समझिए, इंटरेस्ट रेट इन डॉलर्स जो चल रहा है, यानी यूएस का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो 5% चल रहा है, और इंटरेस्ट रेट इंडिया में जो चल रहा है वो 12% चल रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, ये इन जनरल रिस्क फ्री रेट्स मानते हैं हम लोग। ठीक है। ऐसे तो इंडिया में रिस्क फ्री रेट 12% नहीं है, इंडिया में जो रिस्क फ्री रेट है वो 6% 7% के आसपास है, और यूएस में 1% के आसपास है। बट ऐसे एग्जाम्पल के लिए 5 और 12 लिया। अब यू कैन बोरो विदाउट एनी रिस्क से एट दिस रेट इन यूएस एंड एट दिस रेट इन इंडिया। अब ये देख के कुछ क्लिक कर रहा आपको, बिजनेस बिजनेस अपना फायदा। हाँ, अपना फायदा कुछ क्लिक कर रहा आपको। ऐसा शाबाश, बनिया बुद्धि एकदम। सर, डॉलर में बोरो कर लेते हैं और इंडिया में लाके लोगों को बांट देते हैं। ठीक है। तो आज आप बिना कुछ पढ़े लिखे, अभी तो डिग्री भी नहीं मिला, आप इतना सोच लिए, तो दुनिया में बहुत विद्वान बैठे हैं जगह जगह, वो लोग ये वाला धंधा शुरू नहीं कर पा रहे हैं कि वहां से पैसे लाओ और यहां पे डाल दो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये थ्योरी एग्जिस्ट करता है। ये थ्योरी बोलता है कि कोई भी इंसान इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस से कमाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जो यहां पे आपको बचत दिख रहा है वो सब कंपेंसेट हो जाएगा जब आप फॉरेन एक्सचेंज रेट से इसको चेंज करेंगे, एक बार डॉलर को रुपी में, फिर रुपी को डॉलर में, सब बात बराबर हो जाएगा। एवरीथिंग विल गेट काउंटर बैलेंस। नो पर्सन ऑन दिस अर्थ कैन अर्न फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। इसलिए थ्योरी का नाम है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। पैरिटी मतलब सब बराबर ही है, दिखने में अलग अलग है बट रियल टर्म्स में सब बराबर है। सर, ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो विश्वास करने लायक नहीं लग रहा। तो ठीक है, एक बार देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, आपका ही बुद्धि लगाते हैं, डॉलर में बोरो कर लेते हैं, इंडिया में लाके बांट देते हैं। ठीक है। और उसके लिए एक एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए। आज का स्पॉट रेट है, सोचिए, 68 रुपीज पर डॉलर। समझ में आया? वहां पे इंटरेस्ट रेट 5% ही है, तो वहां से रुपया उठाते हैं, डॉलर उठाते हैं। तो लेट्स बोरो 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर मार्केट से उठा लिया। ठीक। कब उठाया? आज, ईयर जीरो में। ईयर जीरो में वी हैव बोरोड 1 लाख डॉलर। उसको स्पॉट रेट पे इंडिया में चेंज कर लो, 68 रुपीज पर डॉलर से चेंज हो गए, इंडियन करेंसी कितना बन जाएगा? 68 लाख। उसको इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर दो, यहाँ पे लोगों को दे दो, मतलब बेसिकली इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट इन रुपी कितना? 68 लाख रुपीज हो जाएगा आपके पास। ठीक। अब ये इन्वेस्टमेंट एक साल बाद मच्योर होगा, तो यहाँ का इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको, आई ऑफ रुपी इज 12%। तो ईयर वन पे मच्योरिटी वैल्यू क्या आएगा? मच्योरिटी वैल्यू 68 लाख पे 12% जोड़ दीजिए, 76.16 लाख रुपीज हो गया। नाउ ये डॉलर का रीपेमेंट करना है आपको एक साल बाद। आई डॉलर क्या है? 5% है। इसका रीपेमेंट करेंगे तो कितना अमाउंट आपको मच्योरिटी में देना है? 1 लाख पे 5%, 1,05,000 डॉलर देना है। नाउ अब आपको अपना ये रुपया को डॉलर में चेंज कराना है, 1,05,000 डॉलर का पेमेंट करना है। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो आपका गेन है, यही तो है। तो यहां पे जो रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्ट करने का, वो रेट, ये पैरिटी थ्योरी का कहना है, वो रेट ऐसा होगा कि सब हिसाब बराबर हो जाएगा।
यहाँ पे जो कन्वर्जन रेट होगा वो रेट ही होगा 76.16 लाख डिवाइड बाय 1,05,000, कितना आ रहा है देखिए तो 72.53 रेट निकल के आएगा। अगर बाजार में आपका रेट ही यही निकला तो 76.16 लाख जो आप लाए इंडिया में इन्वेस्ट करके, उसको तो सारा का सारा डॉलर का इंटरेस्ट के साथ रीपे करने में चला गया, तो आपके पास तो कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से ट्रांजैक्शन कॉस्ट अलग लगेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब जैसे कि वो टीटी बाइंग टीटी सेलिंग वो सब लगेगा जो अलग, ठीक है, वो सब कॉस्ट का तो बात ही नहीं किया हमने। ओके, सो इफ इट हैपेंस दैट दिस रेट इज इन एक्चुअल वर्ल्ड दिस ओनली, देन यू वॉन्ट बी एबल टू मेक एनी प्रॉफिट्स, बट रियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शन मतलब वहां पे बहुत सारा फैक्टर्स रेट्स को इन्फ्लुएंस करता है। हर जन रेट के बारे में एक तरह से नहीं सोचता है, हर जन फ्यूचर को एक जैसे नहीं देखता है, इसलिए हो सकता है एक्चुअल मार्केट में आप कहीं डील करने गए तो 72.53 से कुछ अलग रेट मिल गया, 72 मिल गया या 73 मिल गया, ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तब आप कमा सकते हैं, आपकी कमाई तभी पॉसिबल है जब एक्चुअल रेट 72.53 के जगह कुछ और मिला। चाहे कम मिला तो भी कमा सकोगे, चाहे ज्यादा मिला तो भी कमा सकोगे, ठीक है। तो ज्यादा कम होने से हम लोग बोलते हैं मिस प्राइजिंग इज प्रिवेलिंग, वी आर सेइंग दैट एक्सचेंज रेट इज मिस प्राइज्ड, इधर इट इज अंडर प्राइज और इट विल बी ओवर प्राइज। तो वो अंडर ओवर प्राइज होने से आप कुछ कमा सकोगे, एंड दैट कमाई वुड बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द मिस प्राइज। जैसे 72 मिला तो कमाई होगी 0.53 के जितना ही, और ज्यादा कमाई नहीं होगा। अगर 73 मिला तो 72.53 माइनस 73 का जो डिफरेंस है उतना ही आप कमा सकोगे पर डॉलर, उससे ज्यादा नहीं कमा सकोगे, ठीक है। तो ये जो कमाई है इस कमाई का नाम है आर्बिट्राज गेन और प्रॉफिट। आर्बिट्राज गेन और प्रॉफिट इज ओनली पॉसिबल व्हेन दिस दिस रेट विल नॉट एक्चुअली प्रिवेल इन द मार्केट, बट प्रिजम्पशन शुड बी दैट दिस रेट ओनली विल प्रिवेल, सो यू आर नॉट सपोज टू हैव एनी चांस ऑफ मेकिंग दिस प्रॉफिट। इन जनरल ऐसा रियल वर्ल्ड में देखा जाता है कि ये प्रॉफिट जो है वो कमाने का अपॉर्चुनिटी यूजुअली बड़े बड़े जो डीलर्स होते हैं उनको ही थोड़ा बहुत मिलता है, अगर उनके पास वॉल्यूम है तो, 100 मिलियन डॉलर्स घुमा रहे तो वो कुछ पैसों का डिफरेंस खोजेंगे। जैसे यहाँ तो 72.53 के बाद 72.53 इज ह्यूज डिफरेंस, कुछ डेसिमल्स का भी अगर उनको डिफरेंस दिखता है तो ट्रेड कर लेते हैं, तो वैसे घुमा लेते हैं 100 मिलियन डॉलर्स है, 500 मिलियन डॉलर्स है, बहुत ज्यादा ज्यादा बड़ा बड़ा अमाउंट है वो तुरंत घुमा के उसमें कुछ कमा लेते हैं रियल वर्ल्ड में। बट वो कमाई हर जन के हाथ में नहीं आ पाता है, वो बिग प्लेयर्स के लिए रह जाता है जिसके पास वॉल्यूम अवेलेबल है। ओके, नाउ ये जो आपको फंडामेंटल बताया यही आईआरपीटी है। अब इस आईआरपीटी को दो तरह से सोचा जा सकता है, एक है कवर्ड आईआरपीटी, एक है अनकवर्ड आईआरपीटी। कवर्ड आईआरपीटी बोल रहा है कि जैसे ही कोई यहाँ पे आप बोरो करोगे तो यहाँ पे बोरो करते ही तो आपको पता है 1 साल बाद मुझे ये सब रीपे करना ही है। अगर आप 1 लाख डॉलर आज बोरो करके लाए हो तो आपको तो मालूम है ना कि आपका 1 साल बाद का ऑब्लिगेशन है, 1 साल बाद आपको 1,05,000 डॉलर देना है। यू नो दैट टूडे, सो वॉट यू विल डू इज यू विल टेक अ फॉरवर्ड रेट नाउ, यू विल डू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, एंड दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वुड बी हैविंग दिस रेट ओनली। कवर्ड आईआरपीटी बोल रहा है दैट इफ यू आर बोरोइंग 1 लाख डॉलर टूडे, गेटिंग अट्रैक्टेड बाई लोअर इंटरेस्ट रेट देयर, देन यू नीड टू क्लियर योर ऑब्लिगेशन आफ्टर सम पीरियड। सो फॉर क्लियरिंग दैट ऑब्लिगेशन यू विल बी बाइंग अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नाउ, एंड दैट फॉरवर्ड रेट विच एवर विल बी कोटेड टू यू, आपको जो भी आज रेट बोलेगा वो रेट यही मिलेगा 72.53। कवर्ड आईआरपीटी बोल रहा है कि आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेके चलोगे शुरुआत से, ईयर जीरो से, जैसे ही आप बोरो करोगे आप उसका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी ले लोगे 1 साल बाद का, जो भी जब भी आपको रीपे करना है, तो आपका फॉरवर्ड रेट वुड बी दिस रेट। और दूसरा केस हो सकता है
आपका, आपने फॉरवर्ड नहीं लिया, फॉरवर्ड नहीं लिया तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? ठीक है, उस दिन जो स्पॉट रेट होगा उस दिन देखेंगे। तो ये अनकवर्ड आईआरपीटी कहता है कि उस दिन भी जो स्पॉट रेट होगा, जिसको आप एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बोलते हो, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एट ईयर वन, वो भी यही होगा। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट भी यही होगा। आपको एक और थ्योरी समझाया था ना, प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी, जो बोलता है एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट डिसाइडेड टुडे फॉर दैट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो प्योर एक्सपेक्टेशन थ्योरी के कारण एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट भी वही होता है जो फॉरवर्ड रेट होता है। कवर्ड आईआरपीटी बोल रहा है फॉरवर्ड रेट 72.53 होगा। अगर आप बोलते हैं हम कवर नहीं करेंगे, उस दिन का इंतजार करेंगे, तो अनकवर्ड आईआरपीटी आ जाता है, और वो भी यही बात बोलता है कि वही रेट आएगा जो आपको कमाने का मौका नहीं देगा। ठीक है, अब इसको लेके फर्दर एनालिसिस कैसे है, रिस्क रिडक्शन कैसे है, वो सब हम लोग आगे डिटेलमेंट करेंगे। इसको यूज कैसे करते हैं, इसका सम्स कैसे बनता है, वो सब अब आगे डिटेलमेंट करेंगे। फंडामेंटल आपको समझा दिया गया है।